हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली स्ट्रेसफुल किचन। आज हम आप देख रहे हैं जैसे कि स्प्राउट्स लेकर आए हैं, उसका बनाएंगे हम चीला। तो ये है हमारा चना, मूंग और मोठ, तीनों चीज़ें हैं। हैंडफुल हमने धनिया लिया है, अच्छे से धो लिया है। एक हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक है, 1 चम्मच जीरा है, थोड़ा हम हींग यूज़ करने वाले हैं, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम थोड़ा थोड़ा, देखिए कितने अच्छे से स्प्राउट हो रखा है, देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से स्प्राउट हो रखा है। तो ये मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, कैसे स्प्राउट करना है आप देख सकते हैं। मैं इनको ना एक बार वॉश कर लूँगी, तो सारा मिक्स करके ना मैं 2 कप ये लेने वाली हूँ, 2 कप स्प्राउट। ये देखिए 2 कप हमने स्प्राउट को ले लिया है। अब डाल रहे हैं हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग, हरी मिर्च, अदरक, जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा नमक हम पहले डालेंगे, फिर टेस्ट करके देख लेंगे। और ये हरा धनिया, इन सबको मिलाकर ना हम बहुत ही थोड़े पानी से पहले ग्राइंड कर लेंगे। मैं इसमें ना 2 टेबलस्पून कर्ड डाल रही हूँ, तो पहले बिना पानी डाले पीस के देख लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बारीक पीस गया है, देखिए है ना। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने ये निकालने के बाद ना मिक्सी को भी अच्छे से धो लिया है, और इसमें जो बचा हुआ है ये थोड़ा सा पानी डाल के हम इस मिश्रण को भी निकाल लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ना चेक कर लेंगे। अब देखिए तवे पे हमने हल्का सा घी लगा के इसको गरम कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ना पानी का छीटा देंगे ताकि हमें जो चीला है ना बनाने में आसानी रहे। इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और ये हमने इतना पतला ऐसे कर लिया है ना, फिर इसको हम ऐसे डाल, ठीक है। इसको आप हाथ से भी ऐसे फैला सकते हैं। और जब आपको ये अगर ऐसे करने में मुश्किल हो रहा है ऐसे बनाने में, तो मैं आपको एक तो ये मैंने आपको बिना उसके बताया है, सूजी के बिना, है ना। देखिए इस टाइप के गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसको सिकने देंगे। और अदरवाइज इसमें हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून आपके सामने सूजी डालेंगे। और जब तक ये चीला नीचे से सिक रहा है ना, हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर ऐसे, ताकि पक जाए अच्छे से धीमी आंच पे। और ये देखिए ये लिए हमने 2 टेबलस्पून सूजी, जिसको हम मिला देंगे और 5 मिनट के लिए ना इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे जो बाइंडिंग है ना दाल की, जो फैलने फैलाते हैं और मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए, तो वो आसान हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड करें और बनाएं। ये देखिए हमने ढक्कन उतार लिया है और आपको दिख रहा होगा कलर जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। इस बीच हम ना हल्का सा इस पर घी लगा देंगे, बहुत हल्का सा। और ये देखिए आसानी से ये पलटा जा सकता है। अभी और हमें थोड़ा सेकना है, इधर से सिक गया है, अभी और थोड़ा सा सेकना है। ऐसे चेक कर ले, क्योंकि इसको सिकने में ना टाइम लगेगा। तो हम वापस इसको कवर कर देंगे और सिकने की इंतजार करेंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा सिक गया है इस तरफ से। अब हम इसको ऐसे हाथ से ही पलट देंगे। ये देखिए अब हमें ढकना नहीं है, अब हमें बिना ढके इसको क्रिस्पी होने तक पकाना है। और मैं आपको बताऊं, दाल का चीला कच्चा रह जाता है अगर आप इसको जल्दी में पकाते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बहुत ही धीमी आंच पे, स्लो गैस पे पकाना है इसको। ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है, देख रहे हैं ना आप, ये देखिए। तो जब ऐसे पक जाए तो फिर आप इसको निकाल लें, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सेकने में, आप पेशेंस रखिए, तभी अच्छा बनेगा। ये देखिए इसी तरह से हमने दूसरा चीला भी सेकना शुरू कर दिया। अभी ये इधर से कच्चा है, तो इसको भी पकने के बाद हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। बहुत ही हेल्दी है, जरूर बनाइएगा। और ये देखिए हमारे ये यमी से चीले जो हैं वो बनकर तैयार हैं। आप
इनको हरी चटनी से खाइए, सॉस से खाइए, दही से खाइए, बहुत ही बढ़िया है। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिके हुए हैं, बहुत पतले हैं, आप देख सकते हैं, मोटे नहीं हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।